बीमारी से न जाने कितनों के घर उजड़ गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया। अब आगे भी न जाने ये कोरोना क्या क्या दिन दिखाएगा। हम आपको एक ऐसे परिवार की दास्तान बताते हैं जो कोरोना कहर के बीच अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। जी हाँ, जुलाना में ये महिला अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए सब्जियां बेचने का काम कर रही है। आंधी तूफान हो या चिलमिलाती गर्मी ही क्यों ना हो, ये महिला गली गली में घूमकर सब्जी बेच रही है। महिला ने कहा कि उसके परिवार में 6 सदस्य हैं और उनके पालन की जिम्मेदारी उस पर ही है। वे किराए पर जमीन लेकर सब्जी का कारोबार करती है, जिससे कि वे सब्जियां बाजार में बेचने के लिए जाती है, लेकिन सब्जी की इस समय मांग कम होने के चलते खेत में ही खराब हो रही है। ऐसे में अगर लॉकडाउन और बढ़ता है तो उनके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। किराए पर ली गई जमीन का किराया भी नहीं दे पाएंगे और परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण जी हम बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। ये सब्जी खेती करते हैं, ये भी नहीं बिक रही है, ये भी खराब होने लग रही है। हम 6 सदस्य हैं और हमारे घर में कोई सरकारी पैसा नौकरी नहीं है। ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये सब्जी से ही रसोई का खर्चा मुश्किल से निकाल रहे हैं और खर्चा तो दूर गया। आप खुद ही बेच के आओ बाजार में? खुद बेच के आती हूँ जी। कैसे बेच के आओ? रिक्शा में डालकर। कितने बजे तक जाओ? मैं सुबह 7 बजे जाती थी, पहले 10 बजे तक वापस आ जाती थी, अब मैं 2 बजे तक वापस आती हूँ। माल बिकता है ना? नहीं जी, आधा माल भी नहीं बिकता। कारण क्या है? ये लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन और लंबा चल गया तो जी फिर कहाँ से खाएंगे हम? अब तो हम जैसे बच्चों को बेच देते हैं सब्जी और खवा देते हैं खाना, ऐसे लंबा चल गया तो फिर हमारे घर तो कोई पैसा नहीं है, कोई सरकारी पैसा नहीं है, अपने बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएंगे? हमारे पास कोई और जुगाड़ नहीं है। कितने एकड़ में फसल कर रहे हो आप खेती? ये 1.5 किला है। अच्छा, इसे मैं बो, इसे मैं लेके जाओ बाजार में। हाँ जी, ये भी इससे बात दे पर ले रखे किराए पर। अच्छा, तो उसका भी 1 साल में 40,000 किराया देना जरूरी है। रोजी रोटी का और भी कोई साधन है? नहीं जी, और कुछ नहीं। परिवार को पालने की जिम्मेवारी पिछले 15 सालों से महिला द्वारा उठाई जा रही है। खेत किराए पर लेकर सब्जी उगाकर मंडी में बेचने का काम करती है। ऐसे में अगर कोरोना ने अपना और विकराल रूप दिखाया तो आने वाले समय में 6 सदस्यों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। उनके घर में ना तो कोई सरकारी नौकरी है और ना ही कोई सरकारी आमदनी। ऐसे में सब्जी के भरोसे ही पूरा परिवार पलता है। जुलाना से विजेंद्र बाबा, पंजाब केसरी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।